बालों की समस्याओं से राहत। आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। नीम का तेल बालों को लंबा करने और डैंड्रफ को दूर करने के लिए भी अच्छा होता है। स्टेप: हल्के हाथों से अपनी बालों की जड़ों पर नीम के तेल से मसाज करें। इससे आपकी पतले बालों की समस्या भी सुलझ जाएगी। डैंड्रफ दूर करने के लिए नीम के पाउडर में पानी मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं, एक घंटे के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू से धो लें। अगर आपको नीम की पत्तियां मिलने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर नीम का पाउडर ले सकते हैं। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उन्हें धो लें। त्वचा की देखभाल में नीम के बीज के तेल का उपयोग सामान्यतः हर्बल उत्पादों में घटक के रूप में किया जाता है। यह लाभकारी तेल साबुन, क्रीम, लोशन, फेस वॉश आदि में मिलता है। क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक है, अतः इसका उपयोग त्वचा से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे सोरेसिस, एक्जिमा, मुहासे, रिंगवर्म आदि में किया जाता है। नीम के बीज के तेल से आपकी त्वचा नर्म, चिकनी और चमकदार बनती है। इससे त्वचा स्वस्थ और दाग धब्बों से मुक्त रहती है। बालों की देखभाल: सामान्यतः हर्बल शैम्पू में नीम का तेल होता है। नीम तेल युक्त शैम्पू का बालों पर शानदार प्रभाव पड़ता है। नीम युक्त शैम्पू से बाल धोने पर न वे केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि यह बालों के झड़ने और समय से पहले बालों के सफेद होने जैसी समस्याओं को दूर रखता है। स्वस्थ और चमकीले बालों के लिए आप नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। आंखों और कानों के लिए मरहम के रूप में नीम के बीज के सत्व का उपयोग आंखों और कानों के लिए मरहम और ड्रॉप बनाने में किया जाता है। इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो आंखों और कानों में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार आंखों और कानों में कीटाणुओं और जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण के उपचार में नीम के बीज के सत्व से बने ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम में सहायक: आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली में मलेरिया के प्रभावी उपचार में नीम का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार नीम के पिसे हुए बीजों की दुर्गंध मच्छरों को दूर रखती है तथा उन्हें अंडे देने से भी रोकती है। नीम के वृक्ष के बीजों से मिलने वाले नीम के शुद्ध तेल का उपयोग मच्छरों को अंडे देने से रोकता है, जिससे मलेरिया की रोकथाम होती है। जन्म नियंत्रण: यह पाया गया है कि महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में जन्म नियंत्रण के लिए नीम प्रभावी रूप से उपयोगी है। महिलाओं में गर्भावस्था को रोकने के लिए नीम के तेल का उपयोग लुब्रिकेट के रूप में किया जा सकता है। यदि आप परिवार प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपको नीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती माओं को भी इससे दूर रहना चाहिए। पिसुओं को दूर करने में सहायक: नीम का तेल आपके पालतू जानवर के लिए भी उपयोगी है। यदि आपका कुत्ता या बिल्ली पिसुओं से संक्रमित है तो उनके बालों पर नीम का तेल लगाएं। इससे आपके पालतू जानवर के बाल स्वस्थ और चमकीले हो जाएंगे। इस उपचार का लाभ यह होता है कि इससे जानवर को कोई नुकसान नहीं होता, अतः आपको अपने पालतू जानवर के स्वास्थ्य या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी को पोषक बनाता है: नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उससे नीम की टिकिया बनाई जाती है। मिट्टी को पोषक बनाने के लिए इसे जैविक पदार्थ के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन को कम होने से रोकता है, क्योंकि यह नाइट्रीकरण को रोकता है। कीड़ों को दूर रखने में सहायक: नीम के बीज का तेल एक उत्कृष्ट कीट निरोधक है। माली बगीचे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़ों जैसे इल्ली, घुन, टिड्डी, चींगुर आदि को पेड़ पौधों से दूर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप घर पर भी चींटी, दीमक, तिलचट्टे, मक्खी, खटमला आदि को दूर रखने के लिए नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक: ऑर्गेनिक खेती करने वाले कृषक कीटों के संक्रमण को रोकने के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग करते हैं। नीम के पिसे हुए बीजों को रात भर पानी में भिगा कर रखा जाता है तथा इस पानी का फसलों पर छिड़काव किया जाता है। यह छिड़काव अंडों को निष्क्रिय करता है, कीटों को दूर रखता है तथा उन्हें मारने में सहायक होता है। एक बार छिड़काव होने पर भूख के कारण कीड़े कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। नीम के बीज से बने कीटनाशक उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि ये रसायन मुक्त होते हैं। अन्य बीमारियों के उपचार में सहायक:
नीम के बड़े पत्तों और बीजों से चाय बनाई जा सकती है। हालांकि ये बहुत अधिक कड़वे होते हैं तथा इन्हें पीना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह किडनी, मूत्राशय और प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों के उपचार में बहुत प्रभावी है। यह उपचार दशकों से चला आ रहा है परंतु आज भी लोकप्रिय है। एक्जिमा, नीम का एंटीसेप्टिक गुणों से भरा है जो एक्जिमा में होने वाली सूजन और खुजली को कम करता है। यह सूखी और क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक करता है। मलेरिया, नीम का तेल रोग के प्रभावित क्षेत्रों में लावा के जन्म की गिनती को कम करने में असरदार काम करता है। नीम के तेल का प्रयोग मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए एक अनुकूल तरीका है। दांतों के लिए, नीम का तेल मसूड़े की सूजन और दांत की सड़न का दूर करने का काम करता है। जीवाणु रहित गुण, नीम का तेल दवाओं में भी किया जाता है। घाव और खरोच को ठीक करने के लिए इसका तेल उपयोग करें क्योंकि यह विषाक्त रहित है जो संक्रमण का इलाज करता है। त्वचा संक्रमण के लिए, एथलीट फुट, नाखून कवक जैसे त्वचा रोग फंगल संक्रमण के कारण होते हैं। नीम में पाए जाने वाले दो यौगिक एडोनिन और निबिडोल त्वचा में पाए जाने वाले फफूंद को समाप्त करते हैं और संक्रमण को कम करते हैं। रूसी दूर करे, नीम का तेल नियमित लगाने से सिर की खुशकी दूर होगी जिससे रूसी की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके तेल से बाल दो मुहे भी नहीं होते। नीम और हल्दी, ताजी नीम की पत्तियों को बारीक पीस लीजिए, उसमें हल्दी पाउडर मिलाइए और इस फेस पैक को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाइए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर नीम की पत्तियां न मिले तो नीम पाउडर को ही गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। नीम पत्ती और नींबू, नीम की पत्ती को पीसिए, उसमें कुछ बंद नींबू के रस की डालिए, इसे चेहरे और गर्दन पर लगाइए और 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। यह फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। नीम चंदन पाउडर और गुलाब जल, यह सारी सामग्रियों को मिलाकर पेस्ट तैयार करें, चेहरे पर आधा घंटे के लिए लगा रहने दें और बाद में गर्म पानी से चेहरा धो लें। अगर आपको पिंपल की समस्या अधिक है तो इसे हफ्ते में 3-4 बार प्रयोग करें। नीम स्प्रे, समय न होने की वजह से पैक लगाने का टाइम नहीं मिलता तो ऐसे में कुछ नीम की पत्तियों को साफ पानी में या फिर गुलाब जल में रात भर भिगोकर रख दें और इसे किसी बोतल में भरकर हफ्ते भर प्रयोग करें। इसे फ्रिज में ठंडा कर लें, अपने थकान भरे चेहरे पर इसे स्प्रे करें। नीम बेसन दही, नीम पाउडर को बेसन और दही के साथ मिलाएं और चेहरे तथा गर्दन पर लगाएं। 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें। यह पैक ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है। यह स्किन को अंदर तक नम करता है और पिंपल से भी राहत दिलाता है। संक्रमण से बचाए, करीब 2 लीटर पानी में 50 से 60 नीम की पत्तियां डालकर उबालिए। उबालते वक्त जब पानी का रंग हरा हो जाए तो उस पानी बोतल में छान कर रख लें। नहाते समय एक बाल्टी पानी में 100 मिली नीम का यह पानी डालें। यह पानी आपको संक्रमण, मुहासों और वाइट हेज से छुटकारा दिलाएगा। नीम का तेल गुणों की मेल, नीम का तेल कई साबुनों में, नहाने के पाउडर, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट और क्रीम में प्रयोग किया जाता है। यह त्वचा की शुद्धि करता है। फेस पैक निखारे रूप, 10 नीम की पत्तियों को संतरे के छिलकों के साथ पानी में उबालिए। इसका पेस्ट बनाकर उसमें शहद, दही और सोया मिल्क मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। हफ्ते में 3 बार इसे अपने चेहरे पर लगाने से आपको मिलेगा एक निखरता हुआ चेहरा, साथ ही आपके चेहरे से पिंपल, व्हाइट हेज, ब्लैक हेज और पोज छोटे हो जाएंगे। हेयर कंडीशनर संवारे बालों की खूबसूरती, नीम एक बेहतरीन हेयर कंडीशनर भी है। पानी में उबालकर और शहद मिलाकर तैयार किया गया नीम का पेस्ट बालों में लगाने से रूसी की समस्या खत्म होती है, साथ ही आपके बाल मुलायम भी बनते हैं। रूप निखारे स्किन टोनर, आपको महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। रात एक कॉटन बॉल को नीम के पानी में डुबोकर उससे अपना चेहरा साफ करें। इससे आपको मुंह, नासों, झाइयां और ब्लैक हेज से निजात मिलेगी। एक अकेला नीम आपको इतनी सारी ब्यूटी प्रॉब्लम्स से निजात दिला सकता है। पानी शुद्ध करें,
नीम की पत्तियों को उबालिए 2 लीटर पानी में लगभग 50 पत्ती। उसके बाद जब पानी का रंग हरा हो जाए तब उस पानी को बोतल में छान कर रख लें। अपने नहाने के वक्त पानी में 100 मिलीलीटर इस नीम के पानी को डालें, जिससे संक्रमण, मुहासे और वाइट हेज से छुटकारा मिले। दर्दनाशक। यदि शरीर पर कहीं कट, चिल्ला, फोड़ा हो गया हो या फिर सिर दर्द, मोच, कान का दर्द, बुखार आदि हो गया हो तो नीम का पेस्ट लगाइए और दर्द से छुटकारा पाइए। नीम जड़ का औषधीय गुण। नीम की छाल और उसके जड़ों की औषधीय गुण की वजह से बालों में जू और रूसी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। आप चाहें तो नीम का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल दूर करें। नीम के पत्तों और संतरे के छिलकों को पानी में उबालकर इस पानी को ठंडा करके इसे मुंह धोने पर पिंपल दूर होते हैं। नीम की ऐसे ही कई और फायदे हैं जिन्हें आप पढ़कर इस्तेमाल करेंगे तो आपके सभी दाग धब्बे, कील, मुहासे और झुर्रियां दूर हो सकती हैं। त्वचा में नमी पहुंचाए। आप नीम के पानी को शहद या कच्चे दूध के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगा सकते हैं। नीम का पानी रूखापन कम करता है और चेहरे में नमी लाता है। चेहरे के काले दाग हटाए। चेहरे की भीतरी त्वचा में समाये काले रंग के दाग को नीम का पानी गायब कर देता है। चेहरे पर चमक लाए। नीम के पानी में एंटीमाइक्रोबियल फॉर्मूला होता है जिससे त्वचा से संबंधी कई सारे रोग जैसे मुहासे और उसके दाग, रूखापन और झुर्रियां दूर होती हैं। जब चेहरे से सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे तो चेहरा चमकदार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। त्वचा गोरी करे। नीम का पानी आपके चेहरे को सूरज की घातक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह त्वचा के अंदर बनने वाले मेलानिन और तेल को अधिक बनने से रोकता है। ब्लैकहेड्स हटाए। नीम का पानी एक डीप क्लींजर की तरह भी काम करता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है। यह त्वचा के अंदर में समाये गंदगी को पूरी तरह से निकाल देता है। आंखों के काले घेरे हटाए। नीम के पानी के साथ चंदन का पाउडर मिक्स करके आंखों के काले घेरे पर लगाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और कालापन मिटेगा। नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व। नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। नीम का अर्थ पिंपल और इकने से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नीम जूस शरीर की रंगत निखारने में भी असरदार है। नीम जूस पीने से शरीर की गंदगी निकल जाती है जिससे बालों की क्वालिटी, त्वचा की कामुकता और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। नीम जूस मधुमेह रोगियों के लिए। इसके अलावा नीम जूस मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप रोजाना नीम जूस पियेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। शरीर पर चिकन पॉक्स के निशान। शरीर पर चिकन पॉक्स के निशान को साफ करने के लिए नीम के रस से मसाज करें। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग जैसे एक्जिमा और स्मॉल पॉक्स भी इसके रस पीने से दूर हो जाते हैं। नीम एक रक्तशोधक। नीम एक रक्तशोधक औषधि है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम या नष्ट करता है। नीम का महीने में 10 दिन तक सेवन करते रहने से हार्ट अटैक की बीमारी दूर हो सकती है। मजूड़ों से खून आने और पायरिया होने पर नीम के तने की भीतरी छाल या पत्तों को पानी में औंटकर कुल्ला करने से लाभ होता है। इससे मसूड़े और दांत मजबूत होते हैं। नीम के फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से भी इसमें लाभ होता है। नीम का दातुन नित्य करने से दांतों के अंदर पाए जाने वाले कीटाणु नष्ट होते हैं। दांत चमकीला एवं मसूड़े मजबूत व निरोग होते हैं। इससे चित्त प्रसन्न रहता है। नीम का जूस कैसे पिए। 1. नीम का रस बहुत कड़वा होता है जिसे पीना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इसके फायदे चाहिए तो इसे एक ग्लास में डालकर इसको दवा समझकर पूरा एक साथ पी लें। इसके अलावा ये भी देखिए कि नीम के रस को और किस किसी प्रकार से पिया जा सकता है। 2. नीम के रस में थोड़ा मसाला डाल दें जिससे उसमें स्वाद आ जाए। इसको पीने से पहले उसमें नमक या काली मिर्च और या फिर दोनों ही डाल दें। 3.
कई लोगों को नीम की महक अच्छी नहीं लगती, इसलिए शबरस निकाल लें तब उसको फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रखें या फिर उसमें बर्फ के कुछ क्यूब डाल दें और फिर पिएं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि नीम के रस को निकालकर तुरंत ही पी लिया जाए, इसको 30 मिनट से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। 4. नीम का रस पीने से पहले अपनी नाक को दबा लें, इससे जूस को पीने में आसानी होगी। अगर आपको नीम जूस का पूरा फायदा उठाना है तो इसमें चीनी बिल्कुल भी न मिलाएं। 5. नीम का रस हमेशा सुबह सुबह पिएं, इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें नमक मिलाएं और हल्का सा पानी भी। आयुर्वेद के अनुसार नीम हल्का कटघाटाव तिक्त कषाय शीतल होता है, जो 3 प्रकार के दोषों अर्थात पात पित्त और कफ संबंधी विकारों का नाश करता है। यह कब्ज, मलेरिया, पीलिया, कुष्ठ प्रदर, सिर दर्द, दांत संबंधी रोगों और त्वचा रोगों में गुणकारी होता है। यह बहुत ही अच्छा रक्तशोधक तथा कीटाणु नाशक होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार नीम की तासीर बहुत गर्म तथा खुश्क होती है। उपदंश और कुष्ठ के उपचार के लिए इसे सर्वोत्तम औषधि माना गया है। होम्योपैथी के अनुसार पुराने जीर्ण रोगों के लिए सबसे अच्छी दवा नीम है। नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी की कीटाणु नाशक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह व्राण शोधक, दुर्गंध नाशक, पत्थर तथा शीतपित्त, कुष्ठ तथा पायरिया जैसे रोगों में बहुत लाभकारी होता है। नीम एक अच्छा गर्भ निरोधक भी माना जाता है। बवासीर जैसे कष्टकारी रोग के इलाज के लिए नीम तथा कनेर के पत्ते बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को प्रभावित भाग पर लगाने से कष्ट कम होता है। नीम के पत्तों तथा मूंग दाल को मिलाकर पीस कर बिना मसाले डाले तालकर खाने से भी इस रोग में आराम मिलता है। इस दौरान रोगी के भोजन में छाछ व चावल का समावेश भी करें। मसालों का प्रयोग बहुत कम, यदि संभव हो तो बिल्कुल न करें। रोज सुबह निबड़ियों का सेवन करने से भी आराम मिलता है। प्रभावित अंग पर नीम का तेल भी लगाया जा सकता है। पथरी की समस्या से निपटने के लिए लगभग 150 ग्राम नीम की पत्तियों को पैर ऑफ लीटर पानी में पीस कर उबालें और पी लें, इससे पथरी निकल सकती है। पथरी यदि गुर्दे में है तो नीम के पत्तों की राख की लगभग पैर ऑफ ग्राम मात्रा प्रतिदिन पानी के साथ लेने से लाभ मिलता है। नीम पेस्ट। नीम को पानी में उबालिए, छानिए और पीस लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर 5-10 मिनट के लिए लगाइए और सूखने दीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे दाग धब्बे समाप्त होगी और खुजली खत्म होगी। नीम, नींबू और रोज वाटर। यह फेस पैक पिंपल को ठीक करने में असरदार होता है। एक कटोरे में नीम पाउ डाल लीजिए, फिर उसमें रोज वाटर और नींबू का रस मिलाइए। इसे लगाने से केवल 2 दिन में आपका पिंपल ठीक हो जाएगा। नीम और नींबू रस। नीम की कुछ पत्तियों को पीस लें, उसमें नींबू का रस मिलाएं और चेहरे तथा गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। यह पैक ऑयली चेहरे के लिए अच्छा है और डेड स्किन को साफ करता है। नीम, बेसन और दही। यदि चेहरा ड्राई रहता है तो एक कटोरे में बेसन और दही को मिक्स करें, इसमें नीम की कुछ पत्तियों को पीस कर डालें। इस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगाएं, इससे चेहरे में नमी आएगी और चेहरा ग्लो करने लगेगा। नीम और दूध। साफ, चमकती और फ्रेश स्किन चाहिए तो नीम पाउडर और कुछ बंद दूध की मिलाएं। यदि आप चाहें तो इसमें नींबू की कुछ बंद भी मिला सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और ठंडे पानी से धो लें। नीम, तुलसी और शहद। तुलसी और नीम से चेहरे के दाग, पिंपल और त्वचा के अन्य रोग दूर होते हैं और शहद से त्वचा टाइट होती है। इन तीनों को मिलाइए और चेहरे पर सूखने तक लगाइए। एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व। नीम के पानी में नीम के पत्तों को डालकर गर्म करना में कई एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। यह बढ़ते घटते टेम्परेचर की वजह से स्किन पर होने वाली इन्फ्लेशन, सूजन और जलन को दूर रखने में मदद करता है। इन्फ्लेमेटरी बीमारियों में अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, अल्जाइमर, अस्थमा आदि रोग आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट तत्व।
नीम के पानी में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। यह पीने या इसके गरारे करने से मुंह में होने वाली सारी बीमारियां दूर होती हैं। इसके साथ ही यह डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रखता है, शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकाल देता है। पेट की गैस, अल्सर व पेट की अन्य समस्याओं के साथ टीबी व यूरिन इन्फेक्शन होने पर नीम की पत्तियों को खाली पेट चबाने से आराम मिलता है। एंटीएन के तत्व। नीम एंटीबैक्टीरियल तत्वों से भरा हुआ है। इन्हीं तत्वों की वजह से यह स्किन से एनकेस को दूर रखता है। यह चेहरे से काले सूखे मुहासों को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे दूध या शहद या फिर फेस पैक में डालकर लगाना चाहिए। एंटी एजिंग तत्व। नीम में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स स्किन को क्लीन और टॉक्सिन फ्री रखते हैं। यह स्किन को हमेशा साफ और पिंपल रिंकल से दूर रखने में मदद करता है, जिससे स्किन खूबसूरत और खिली हुई लगती है। साथ ही यह उन टॉक्सिन और जर्म्स को भी दूर रखता है जो स्किन को बूढ़ा करने के जिम्मेदार होते हैं। स्किन को टाइट बनाए। नीम स्किन को टाइट और टोन करता है। यह आमतौर पर स्किन पर होने वाले क्रैक्स और फ्रेकल्स जित्ती को भरता है। नीम का पानी स्किन पर झुर्रियों को हटाओ से टोन करता है। नीम की पत्ती के पाउडर और पिसी हुई गुलाब की पनखुड़ी को नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाने से स्किन में ग्लो आता है और स्किन टाइट होती है। ब्लैक स्पॉट कम करे। फेस पर होने वाली सारी परेशानियों का इलाज है नीम। यह स्किन पर होने वाले ब्लैक स्पॉट और ब्लैक हेड्स के लिए रामबाण इलाज है। इसे फेस पैक में मिलाकर लगाने या इसके पानी से फेस वॉश करने से ब्लैक स्पॉट आसानी से कम हो जाते हैं। बालों को बनाए डैंड्रफ फ्री। नीम की पत्तियां एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक होती हैं। इसी कारण यह सिर और बालों में होने वाली तकलीफों को भी दूर करता है। इसके लिए नीम की सूखी पत्तियों को पीसकर मेहंदी, आंवला, रीठा, शिकाकाई में मिलाकर बालों में एक घंटा लगाकर धोने से बाल काले व मुलायम होते हैं और डैंड्रफ भी दूर होता है। संक्रमण से बचाएगा नीम। गर्मियों में इन्फेक्शन की वजह से त्वचा संबंधी परेशानियां ज्यादा होती हैं, जैसे खुजली, खराश आदि। इसके लिए नीम का लेप फायदेमंद रहता है। यह सभी प्रकार के चर्म रोगों के निवारण में सहायक है। चर्म रोगों से बचाव। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल उस पानी से नहाने से चर्म विकार दूर होते हैं और ये खासतौर से चेचक के उपचार में सहायक है और उसके विषाणु को फैलने न देने में सहायक है। बैक्टीरिया से लड़ता नीम। दुनिया बैक्टीरिया से भरी पड़ी है। हमारा शरीर बैक्टीरिया से भरा हुआ है। एक सामान्य आकार के शरीर में लगभग 10 खरब कोशिकाएं होती हैं और 100 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप एक हैं तो वे 10 हैं। आपके भीतर इतने सारे जीव हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर आप नीम का सेवन करते हैं तो वह हानिकारक बैक्टीरिया को आपकी आंतों में ही नष्ट कर देता है। आपके शरीर के भीतर जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। अगर हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा हो गई तो आप बुझे बुझे से रहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत सी ऊर्जा व उनसे निपटने में नष्ट हो जाएगी। नीम का तरह तरह से इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया के साथ निपटने में आपके शरीर की ऊर्जा खर्च नहीं होती। आप नहाने से पहले अपने बदन पर नीम का लेप लगाकर कुछ वक्त तक सूखने दें, फिर उसको पानी से धो डालें। सिर्फ इतने से ही आपका बदन अच्छी तरह से साफ हो सकता है। आपके बदन पर के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। या फिर नीम के कुछ पत्तों को पानी में डालकर रात भर छोड़ दें और फिर सुबह उस पानी से नहा लें। एलर्जी के लिए नीम। नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें, उसकी छोगोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डुबाकर निगल लें, उसके एक घंटे बाद तक कुछ भी न खाएं, जिससे नीम ठीक तरह से आपके सिस्टम से गुजर सके। यह हर प्रकार की एलर्जी, त्वचा की किसी भोजन से होने वाली या किसी और तरह की में फायदा करता है। आप सारी जिंदगी यह ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नीम के छोटे छोटे कोमल पत्ते थोड़े कम कड़वे होते हैं, वैसे किसी भी तरह के ताज़ा हरे पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमारियों के लिए नीम। नीम के बहुत से अविश्वसनीय लाभ हैं, उनमें से सबसे खास है यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हर किसी के शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे एक जगह नहीं होती, हर जगह बिखरी होती हैं।
किसी वजह से अगर आपके शरीर में कुछ खास हालात बन जाते हैं तो ये कोशिकाएं एकजुट हो जाती हैं। छोटे मोटे जुर्म की तुलना में संगठित अपराध गंभीर समस्या है कि नहीं? हर कस्बे शहर में हर कहीं छोटे मोटे मुजरिम होते ही हैं। यहाँ वहाँ वे जेब कटने जैसे छोटे मोटे जुर्म करते हैं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन किसी शहर में अगर ऐसे 50 जेब कतरे एकजुट होकर जुर्म करने लगे तो अचानक उस शहर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। फिर हालत ये हो जाएगी कि आपका बाहर सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, शरीर में बस ऐसा ही हो रहा है। कैंसर वाली कोशिकाएं शरीर में इधर उधर घूम रही है, अगर वे अकेले ही मस्ती में घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वे सब एक जगह इकट्ठा होकर उधम मचाने लगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हमें बस इनको तोड़ना होगा और इससे पहले कि वे एकजुट हो सके यहाँ वहाँ इनमें से कुछ को मारना होगा। अगर आप हर दिन नीम का सेवन करें तो ऐसा हो सकता है, इससे कैंसर वाली कोशिकाओं की तादाद एक सीमा के अंदर रहती है ताकि वे हमारी प्रणाली पर हल्ला बोलने के लिए एकजुट न हो सके, इसलिए नीम का सेवन बहुत लाभदायक है। नीम में ऐसी भी क्षमता है कि अगर आपकी रक्त धमनियों आर्टरी में कहीं कुछ जमना शुरू हो गया हो तो ये उसको साफ कर सकती है। मधुमेह डायबिटीज के रोगियों के लिए भी हर दिन नीम की एक छोक गोली खाना बहुत फायदेमंद होता है, यह उनके अंदर इंसुलिन पैदा होने की क्रिया में तेजी लाता है। नीम के फायदे। नीम का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, यह एक बेहतरीन प्राकृतिक पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके उपयोग निम्न है। बाल झड़ बॉल्डनेस। यदि किसी कारण सर झड़ने लगे परंतु अभी अवस्था बिगड़ी न हो तो नीम और बेरी के पत्तों को पानी में उबालकर बालों को धोना चाहिए, इससे झड़ना रुक जाता है, कालिमा कायम रहती है और थोड़े थोड़े ही दिनों में बाल खूब लंबे होने लगते हैं, इससे जुए भी मर जाती है। नेत्र खुजली इचिंग। नीम के पत्ते छाया में सुखा ले और किसी बर्तन में डालकर जलाए, जो ही पत्ते जल जाए बर्तन का मुंह ढक दे, बर्तन ठंडा होने पर पत्ते निकालकर सुरमे तरह पीस ले। अब इस रख में नींबू का ताजा रस डालकर 6 घंटे तक खरल करे और खुश्क शीशी में रखे, रोजाना प्रातः व सायं सलाई तरह सुरमे के सामान उपयोग करे। आँख का अंजन होम रेमेडीज फॉर फ्रेटफुल आईज। नीम के फूल छाँव में खुश्क कर बराबर वजन कलमिश और मिलाकर बारीक पीस ले और कपुरछन करे, अनजान के रूप में रात्रि को सोते समय सलाई धरा उपयोग करे, नेत्र ज्योति बढ़ता है। कान बहना नीमनिया प्रॉब्लम्स। नीम का तेल गर्म कर इसमें 16वां भाग मार डाले, जब पिघल जाए तो आँच पर से उतार कर इसमें 8वां भाग चून फिटकरी खील मिलाकर सुरक्षित रखे, यदि कान बहना बंद न होता हो तो इस दवा को अवश्य आजमाए। कान में घाव निमोनिया प्रॉब्लम्स। यदि कान में घाव हो जाए तो बड़ी कठिनाई से ठीक होता है, लिए निम्न नुस्खा अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। नीम का रस 3 माशे शुद्ध मधुमिशों दोनों मिश्रित करें तथा थोड़ा गर्म करके मधु के 2 से 4 बांध चपकाएं, कुछ ही दिन में घाव ठीक होकर स्वस्थ लाभ होगा। नाजा जुखाम यूसेज ऑफ आजाद रिचता इंडिका इन कॉमन कोल्ड। नीम के पत्ते 1 टोला, काली मिर्च 6 हसो दोनों नीम के डंडे से कुटे और नीम के 1-1 पत्ते से गोलियां बनाए, इस गोलियां को छाव में सुख कर सीसी में करके रखना चाहिए, 3-4 गोलियां प्रातः व सैं कुनकुने पानी के साथ लेना चाहिए, नजर जुखाम के लिए उत्तम है। नीम की निम्बेली 1 टोला, लाहेरी नमक 1 टोला, खिल फिटकरी 1 टोला, तीनों बारीक से पीस कर मंजन रूप में दांत पर मलिए, दांत पीड़ा के लिए विशेष लाभदायक है, दांत मोती के सामान चमक उठते हैं। पुराने दस्त होम रेमेडीज ऑफ डायरिया। नीम के बीज की गिरी 1 माशा में थोड़ी चीनी मिलकर उपयोग करने से पुराने दस्त बंद होते हैं, आहार केवल चावल ही रखे। बारीका ज्वर। नीम की भीतरी नर्म छाल छाव में खुश्क कर बारीक पीस ले और 1-1 माशा पानी के साथ दिन में 3 बार उपयोग करे, 3 दिन में ही दवा जादू का काम करती है तथा बारीका ज्वर फिर नहीं होता। नीम के पंचांग जलाकर 32 गुना पानी डालकर एक खड़े में रखे और नित्य हिलाते रहे, 3 दिन पश्चात पानी निथार कर कपुरछन करे और लोहे की कड़ाही में डालकर आँच पर रखे। जब सारा जल सूख जाए और नमक जैसा पदार्थ बाकी रह जाए, यह नीम का क्षर है, तो इसे शीशी में सुरक्षित रख ले, मात्रा आधी से 1 राती तक सब प्रकार के ज्वर विशेषकर मलेरिया की अचूक औषधि है, दिन में 3-4 बार उपयोग की जा सकती है। ज्वर तोड़।
आधा छटांक नीम के हरे पत्ते और दो दाने काली मिर्च दोनों आधा पाव पानी में घोटकर तथा चनकर पीने से बरी का ज्वर ठीक हो जाता है। यह एक अत्यंत भरोसे की दवा है। नीम के ताजा पत्ते एक तोला, शिवे तो हितकारी छह माश और दोनों बारीक पीसकर पानी द्वारा चने के बराबर गोलियां बना ले। नित्य तथा बड़ी से चढ़ने वाले सब प्रकार के ज्वर ठीक करने में चमत्कारी है। पुराना ज्वर 21 नीम के पत्ते और 21 डेन काली मिर्च दोनों की मलमल के कपड़े में पोटली बांधकर आधा सिर पानी में उबले। जब पानी चौथाई भाग रह जाए तो उतार कर ठंडा होने दे। फिर प्रातः व सायं पिलाने से निश्चय ही लाभ होगा। तपेदिक का बढ़िया इलाज। छिलका नीम 2 सेर, अवले की जड़ 2 सेर, पुराना गुड़ 4 सेर, हरड़ आंवला बहेड़ा प्रत्येक आधा सेर, सौफ आधा सेर और सोए आधा सेर और सोए आधा सेर। समस्त सामग्री मजबूत बर्तन में बंद कर ग्रीष्म ऋतु में 5 शरद ऋतु में 12 दिन तक किसी गर्म स्थान पर गेहूं या भूसे में रखे। तत्पश्चात 2 बोतल अर्घ निकले मात्रा पहले दिन 1 तोला दूसरे दिन 1.5 तोला तथा तत्पश्चात 2 तोला तक रोजाना गुलाब अर्घ के साथ पिलाएं। यह नुस्खा एक सन्यासी साधु से प्राप्त हुआ है। गर्मी ज्वर प्रायः ज्वरों में और विशेषकर गर्मी के ज्वर में प्यास बंद नहीं होती। ऐसी स्थिति में नीम की पतली टहनियां पत्तों रहित लेकर पानी में डाले और थोड़ी देर पसकर चित यह पानी रोगी को पिलाए। तुरंत प्यास को आराम होगा, घबराहट दूर होगी और ज्वर में लाभ होगा। पेट के कीड़े 2 तोले नीम की छाल 1 सेर पानी में पकाए, चौथाई भाग पानी रहने पर मलकर छाने और प्रातः व सायं पी लिया करें। इससे पेट कीड़े जाते हैं और फिर नहीं होते। यदि पेट में कीड़े पड़ जाए तो नीम के पत्तों का रस 2-3 दिन पिलाए, कीड़े मरकर निकल जाएंगे। तत्पश्चात 2-3 दिन कलाई का बुझा हुआ पानी पिलाए, दोबारा पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। पेट की बीमारी नीम की 15-20 पत्ती और 10 काली मिर्च थोड़े से नमक के साथ पीसकर एक ग्लास जल में घोलकर खाली पेट 3-4 दिन तक पी लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम के कड़वे रस के कारण आने वाले कम से कम 2-3 वर्ष तक के लिए मुक्ति मिल जाती है। बवासीर रेमेडीज ऑफ बवासीर नीम के बीज बीज गिरी तोला, थरे के बीज की गिरी 1 तोला, थरे के बीज की गिरी 1 तोला, रिसोत 1 तोला, हरड़ गुठली रहित 3 तोला कूटकर कापुर छन करे। 6-6 माशा प्रातः व सायं ठंडे दूध या पानी के साथ सेवन करे, अवश्य लाभ होगा। कब्जनाशक गोलियां 5 तोले विशुद्ध रिसोत, काली मिर्च 2 तोले और नीम के बीज की गिरी 5 तोले। समस्त सामग्री पीसकर नीम के पत्ते के रस में घोट ले। अच्छी प्रकार बारीक हो जाने पर काबुली चने के बराबर गोलियां बना ले। 1 गोली प्रातः ताजा जल से उपयोग करे तथा 1 गोली पानी में धिसकर शौच निवृत्ति पर मस्सों में लगाए। लगाते ही बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। नीम की गिरी 1 छटांक, शुद्ध रसोत 1 चटक दिनों अच्छी प्रकार कूट कर मिलाए और जंगली बेर के बराबर गोलियां बना ले। 1 गोली नित्य प्रातः पानी के साथ 1 मास तक निरंतर उपयोग करे, बवासीर में आराम होगा। पथरी रेमेडीज ऑफ स्टोन नीम के पत्ते जलाकर साधारण विधि से शर तैयार करें। 2-2 माशे ठंडे जल से दिन में 3 बार उपयोग करने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी ठीक हो जाती है। खुजली नीम की नर्म कोपले 2.5 तोला नित्य ठंडाई के रूप में घोटकर पीने से खुजली दूर होती है। बढ़िया मरहम रक्त विकार के कारण प्रायः फोड़े फुंसियां निकलती रहती है और कई बार ये इतनी बिगड़ घाव साफ करने के लिए नीम के पत्तों मरहम बनाई जाती है जो कभी असफल नहीं होती। नीम से होगा कैंसर का इलाज। औषधीय गुणों के कारण गुणकारी नीम सदियों से भारत में कीट कृमिनाशी और जीवाणु विषाणुनाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा है। अब कोलकाता के वैज्ञानिक इसके प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए कैंसर के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम ने अपने 2 लगातार पैरचों में बताया है कि किस तरह नीम की पत्तियों से संशोधित प्रोटीन चूहों में ट्यूमर के विकास को रोकने में सहायक हुआ है। कैंसर की कोशिकाओं को सीधा निशाना बनाने के बजाय यह प्रोटीन नीम लीफ ग्लाइको प्रोटीन या NLGP ट्यूमर के भीतर और रक्त जैसे परिधीय तंत्र में मौजूद प्रतिरक्षण कोशिकाओं जो कोशिकाएं शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं को बल प्रदान करता है।
प्रतिरक्षण कोशिकाएं आमतौर पर कैंसर कोशिकाओं के साथ ही नुकसान पहुंचाने वाली कोशिकाओं की शत्रु होती हैं। ट्यूमर के विकास के दौरान कैंसर वाली कोशिकाएं अपने विकास और विस्तार के लिए इन प्रतिरक्षक कारकों को अपना दास बना लेती हैं। इसलिए इन जहरीली कोशिकाओं को मारने की जगह प्रतिरक्षक कोशिकाएं उनकी सहायता करने लगती हैं। एनएलजीपी की खासियत यह है कि यह ट्यूमर के चारों ओर मौजूद कोशिका परिवेश, इसे ट्यूमर सूक्ष्म पारिस्थितिकी कहा जाता है, का सुधार करता है और उन कोशिकाओं को एक सामान्य अवस्था की ओर अग्रसित करता है जो कैंसर कोशिकाओं की तरह खतरनाक हो रही होती हैं। सीएनसीआई के इम्यूनोरेगुलेशन एंड इम्यूनोडायग्नोस्टिक्स विभाग के अध्यक्ष थिंद्रनाथ बराल ने कहा, हमारे हाल के अध्ययन में हमने पाया है कि एनएलजीपी में ट्यूमर कोशिकाएं और ट्यूमर से संबद्ध गैर परिवर्तित कोशिकाएं जो ट्यूमर के विकास में सहायक होती हैं, से युक्त ट्यूमर की सूक्ष्म पारिस्थितिकी को सामान्य करने की शक्ति मौजूद है। मूल रूप से एनएलजीपी ट्यूमर की सूक्ष्म पारिस्थितिकी में इस तरह से बदलाव लाता है जिससे उसका आगे का विकास बाधित हो जाता है। पत्तियों की महत्ता। पत्तियों की महत्ता के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लोगों से पूछने लगे तो कुनूर के न्यूट्रिजन अनुसंधान केंद्र के निदेशक एक राइड ने बताया कि हमने अपनी प्रयोगशाला में नीम की हरी पत्तियों का परीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि अनेकान खरी पत्तियों की अपेक्षा नीम की पत्तियों में पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। पकी हुई पत्तियों और कोम्पलों में कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इस दृष्टि से चौलाई, पालक, धनिया आदि कई तरकारियों से नीम की पत्तियां श्रेष्ठतम मानी जाती है। नीम के बीज कद्वय और कपफ निस्तारक। यूनानी चिकित्सकों के अनुसार नीम के बीज कद्वय और कपफ निस्तारक हैं जिनका प्रयोग पेट में बधी हुई तिल्ली के उपचार में किया जाता है। हृदय रोगों में भी यह हितकारी है। रक्तस्राव रोधक व मनकारक, नक्सीर को रोकने वाला, दांतों को मजबूत करने वाला, सूजन को मिटाता और गीली सूखी खुजली को दूर करता है। इसके बीजों के तेल से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, कर्णशूल को दूर करता है, मृदु विरेचक और रक्तशोधक कहा जाता है, बवासीर, तिल्ली, यकृत की विकृति तथा सूजन को मिटाता है। इसके पत्ते और फलों का प्रयोग करने से मूत्रा संबंधी रोग, दूस्राव में अनियमितता, स्नायविक मस्तिष्क तथा सर्दी के शोध जैसी बीमारियां भक्ति बनती है। मुस्लिम देशों में भी इसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। पारसी हकीमों ने इसकी जानकारी भारत से हस्तगत की थी। पारसी लोगों का ऐसा अभिमत है कि इस वृक्ष की छाल, फल, पत्ते और पफल गर्म और रूक्ष होते हैं। पत्तों और पफल का पुल्टी स्वेलियप लगाने से मस्तक का पफोड़ा जल्दी ठीक होता है। पंजाब में संधिवात की पीड़ा मिटाने हेतु नीम के बीजों का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल में भी इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल में भी इसके बीजों का चूर्ण न्यान्य औषधियों के साथ प्रयोग किया जाता तथा पुलटिस के रूप में गठिया और संधिवात की पीड़ा को मिटाता है। अमेरिका में तो नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर हिस्टीरिया रोग को दूर करने में किया जाता है। इसकी छाल और पत्ते गलित कुष्ठ और कंठमाला के उपचार में काम आते हैं। पिफलों की पुलटिस में कृमिनाशक तत्व होने से चर्म रोग दूर होते हैं। इंडो चाइना में तो इसके पिफलों का प्रयोग ज्वर और मूत्रा संबंधी रोगों को दूर भगाने में किया जाता है। पेट की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नीम के औषधीय गुणों की सामान्य जानकारी। यह नीम के औषधीय गुणों की सामान्य जानकारी है, किंतु इसकी असीम शक्ति सामर्थ्य से कैसे लाभान्वित हुआ जाए सो इस प्रयोग विधि को समझना भी जरूरी है। बादी बाबा सीर में नीम की छाल को सुखाकर 50 से 60 ग्राम की मात्रा में 10 ग्राम काली मिर्च मिलाकर प्रतिदिन निराहार 3 ग्राम की मात्रा पानी के साथ लें। स्तनों में खुजली होने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर स्तनों को धोएं, तत्पश्चात ताजे दुग्ध में थोड़ी सी मात्रा जैतून के तेल की मिलाकर मालिश करने से खुजली भी मिटती है और स्तनों में कठोरता भी आने लगती है। नारियल के तेल में नीम की पत्तियों का उबला हुआ पानी मिलाकर सिर में लगाने से जकुएं नष्ट हो जाती है। नीम के 25 ग्राम ताज़ा फल पीसकर पानी में मिलाकर शरबत की भांति 15 दिन तक पीने से खमौड़ियां समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी दांत की संधियों में पीप। कभी कभी दांत की संधियों में पीपने की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में नीम की पत्तियों को पीसकर 4 मिनट तक मसूड़ों की मालिश नियमित करें। दांत के ऊपर नीम के पत्तों को दही में पीसकर घाव पर लगाया जाए तो जल्दी भर जाता है। खुजली छूत का रोग है। घर में एक को हुई तो सभी को होने लगती है।
नीम के पत्तों को पानी में उबालकर पीने लगाने से ठीक हो जाती है। मुंह के मुहासों पर नीम की छाल घिसकर लगाने से लाभ मिलता है। नीम की दातुन करने से दांत भी साफ होते हैं और मुंह की दुर्गंध भी मिटती है। 10 से 10 ग्राम की मात्रा में नीम के पत्ते और तिल दोनों को पीसकर मालिश करने से चर्म रोग मिटता है। नीम की 5-7 पत्तियां प्रतिदिन चबाने से रक्त विकार दूर होते हैं। हाथ पैरों में तपन महसूस होने पर नीम के पंचांग को पीसकर हथेली और तलुओं पर लगाने से शिकायत दूर होती है। नवजात शिशु की अचानक मृत्यु होने पर स्तनों में से दूध निकलकर कपड़े खराब करने लगता है। नीम की निबरी की गिरी पीसकर स्तनों पर लगाने से दूध स्वतः ही शुष्क हो जाता है। 50 ग्राम घी में 20 ग्राम नीम की पत्तियों को भूनकर सेवन करने से काम वासना शांत होती है और रक्त साफ होने से नपुंसकता भी मिटती है। हो सकता है शंकर जी ने काम धन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए नीम की पत्तियों का सेवन अवश्य किया होगा। 250 ग्राम नीम की छाल को कूटकर 1 लीटर उबले पानी में रात भर भीगने दें, उसमें से थोड़ा काढ़ा उपदंश रोगी को पिलाएं और शेष से घावों को धोने से बीमारी मिटती है। संतति निरोध के लिए क्विनिन और कार्बोलिक एसिड के घोल का सेवन करने से शुक्राणु नष्ट होते हैं। नीम का तेल परिवार नियोजन की उत्तम औषधि है। प्रसव के समय प्रसूता को नीम की छाल का उबला हुआ गुनगुना पानी पिलाने पर प्रसव शीघ्र होता है। कई बार महिलाओं को मासिक धर्म के समय पीड़ा सताती है। ऐसी स्थिति में नीम के पत्तों को गर्म करके नाभि के नीचे बांधने से तकलीफ मिटती है। चेचक रोग बड़ा खतरनाक है। नीम का प्रयोग करने वाले को चेचक निकलती भी नहीं है। यदि निकल भी जाए तो उग्र रूप धारण नहीं करती। बाल झड़ने की बीमारी को रोकने के लिए नीम के पत्तों को 100 ग्राम पानी को उबालकर सिर धोने से लाभ होता है। असमय में बाल पकने के रोग में नीम की मींगी को भांगरे के रस में घोटकर 1 सप्ताह तक सूखा लें। सुबह शाम इसके तेल की 3 बंदे नाक में डालने से बालों का पकना बंद होता है। मुहासों को ठीक करने हेतु नीम की जड़ का छिलका उतारकर अंदर के भाग को पानी के साथ पत्थर पर घिसकर लगाएं। स्त्रियों को मासिक धर्म में पीड़ा होती है अथवा मासिक धर्म रुक रुक कर आता है, जिससे शरीर में भारीपन आने लगता है, जांघों में दर्द होता है और बच्चा भी पेट में नहीं ठहर पाता। उनको नीम की पत्तियों का 6 मिली और अदरक का 10 मिली रस मिलाकर प्रतिदिन पिलाएं तो आराम मिलता है। यदि मल के साथ छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं तो नीम के ताजे सूखे फलों को चने के बेसन में मिलाकर सरसों के तेल में पकोई बनाकर खिलाने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। पैर सूजन। व्यक्ति का एक पैर सूजकर हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है। 10 नीम और 10 तुलसी दोनों पत्तों को मिलाकर लेने से हाथी पांव ठीक होने लगता है। थोड़ा मोम पिघलाकर उसमें नीम का तेल मिलाकर बिवाई में लगाया जाए तो उनका पफटना बंद हो जाता है। चरक और सुश्रुत का कथन है कि नीम की पत्तियों का स्वरस 3 से 10 मिली की मात्रा में रोजाना 2 बार लगाने से कुष्ठ रोग मिटता है। कुष्ठ रोगियों को तो नीम के पेट के नीचे ही अपना आवास बना लेना चाहिए। प्रतिदिन नीम की 10-15 कोंपले चबाने से रक्त स्वच्छ और त्वचा निर्मल रहती है। नीम की पत्तियों के लेप से पफोड़े फिंसी ठीक होते हैं। नासूर एक ऐसा पफोड़ा होता है जो शरीर के भीतर ही भीतर फलकर कैंसर की तरह समस्त शरीर को विषमुक्त बना देता है। ज्वर आने पर नीम की सीन के 10 ग्राम और 10 ग्राम काली मिर्च दोनों को पीसकर सुबह साय लेने से ज्वर उतर जाता है। पेट में पथरी होने पर नीम के पत्तों को छाया में सुखाकर बर्तन में जला लें। जलने पर एक बर्तन में ढक दें। 4 घंटे बाद पत्तियों को निकालकर पीस डालें। दिन में 3 बार ठंडे पानी के साथ 6 ग्राम फकी लगाएं तो मूत्राशय की पथरी गलकर बाहर आ जाती है। 1 ग्राम नीम के बीज की गिरी को थोड़ी सी चीनी में पीसकर फकी लगाने से दस्त बंद हो जाते हैं। सर्प के कट जाने से पहचान नीम बताता है। यदि पत्तियां मीठी लगे तो विष शरीर में फैला हुआ है। नमक और काली मिर्च मिलाकर नीम के पत्तों को चबाते रहने से विष का प्रभाव उतर जाता है। सर्पदंश। सर्प काटने पर नीम की पत्तियों खानी चाहिए। इससे नींद नहीं आती व यह जहर भी नहीं लेती हैं।
आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति 5 से 7 नीम की पत्तियां चबाता रहे तो वह नीलकंठ बन जाता है। मधुमक्खी के काटने पर नीम की पत्तियां रग लें, नीम के तेल को गर्म करके उसमें 16वां भाग मोम डालें। जब पिघल जाए तो आग पर से उतार कर 8वां भाग भुनी पिसी पिफ्टाकरी मिलाएं। कान बहने पर उसको डालते ही लाभ मिलता है। पीलिया रोग में नीम की पत्तियों के रस 10 ग्राम मधु मिलाकर 5-7 दिन लेने से रोग भागता है। निबौड़ियों के तेल की मालिश के पक्षाघात की बीमारी नहीं रहती। नीम के तेल को मामूली सा गर्म करके कान में प्रतिदिन डालने से बहरापन दूर होता है। 20 ग्राम नीम की पत्तियों के रस में 5 काली मिर्च मिलाकर लेने से उल्टियां बंद हो जाती हैं। मलेरिया में 60 ग्राम नीम के हरे पत्तों में 5 काली मिर्च पीसकर 125 मिली पानी में छानकर पी लें। मधुमेह में नीम की छाल का काढ़ा बड़ा उपयोगी होता है। निबौरी को सुरमा की भांति रात्रि को सोते समय नेत्रा में लगाने से मोतियाबिंदु का रोग नहीं रहता है। नीम की निबौड़ियों की गिरी को गर्म जल में पीने से विष खाने का प्रभाव मिटता है। त्वचा रोगों में खुजली, घमोरियां, एक्जिमा, सोराइसिस और कुष्ठ आदि त्वचा संबंधी रोगों में नीम की पत्तियों का लेप बनाकर लगाने से लाभ होता है। डायबिटीज में मरीज को सुबह खाली पेट 6 से 7 नीम की पत्तियां व 8 से 10 निम्बोली खानी चाहिए। इससे शुगर लेवल कम होता है। पेट के लिए गैस, अल्सर व पेट की अन्य समस्याओं के साथ टीबी व यूरिन इन्फेक्शन होने पर नीम की पत्तियों को खाली पेट चबाने से आराम मिलता है। पेट की सफाई के लिए नीम के रस का अनीमा भी दिया जाता है। बसंत ऋतु में नीम की 3 से 4 कोमल पत्तियां चबाने से टाइफाइड, चेचक व पीलिया जैसे संक्रामक रोग दूर होते हैं। बालों के लिए नीम की सूखी पत्तियां पीसकर मेहंदी, आंवला, रीठा, शिकाकाई में मिलाकर बालों में 1 घंटा लगाकर धोने से बाल काले व मुलायम होते हैं और डैंड्रफ भी दूर होता है। शैम्पू में प्रयोग लोहे के बर्तन में आंवला, रीठा, शिकाकाई, एलोवेरा के साथ नीम की पत्तियां 1-2 रात के लिए भिगोएं। इसके बाद उबालकर, छानकर व ठंडा करके शैम्पू की तरह प्रयोग करें। तेल में प्रयोग लोहे के बर्तन में 200 ग्राम नारियल या सरसों के तेल में 1/4 मुट्ठी नीम की पत्तियों का पेस्ट, आंवला, एलोवेरा और दाना मेथी मिलाकर गर्म करें व ठंडा होने पर प्रयोग करें। हफ्ते में 1/2 बार इस तेल से सिर में मालिश करें। कीटनाशक उपयोग नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से शरीर के कीटाणु दूर होते हैं। इन पत्तियों को फेंके नहीं, इनका पेस्ट बनाकर मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और गुलाब जल के साथ 20-30 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर धोलें। मच्छरों के लिए 1 मुट्ठी नीम की सूखी पत्तियों को गोबर के कंडे के साथ छोटे प्याले में जलाकर 15 मिनट तक धुआं करें। इस दौरान परिवार के लोग बाहर चले जाएं, बाद में खिड़की दरवाजे खोल दें। नीम का शैम्पू नीम की निमोलियों को सुखाकर फोड़कर में घी निकाल लें। समान मात्रा में अरीठा मिलाकर बहुत बारीक पीस लें। इस पाउडर की 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में घोलकर सिर धोएं। इससे सिर के जूने, लीके, सिर की दुर्गंध नष्ट हो जाती है, बाल काले और मुलायम हो जाते हैं। दाद नीम की गिली लकड़ी लें। इस लकड़ी को जलाएं। जलाने पर इसमें से आसपास से पानी निकलेगा। इस पानी को दाद पर लगाएं, दाद ठीक हो जाएगी। कब्ज कब्ज दूर करने के लिए तथा विकार के लिए पकी हुई निबोनी नित्य चूसें। फोड़े फुंसी मार्च और अप्रैल में 15 दिन भूखे पेट नीम की नई को पालें और सेंधा नमक के साथ पीस कर खाएं। रक्त साफ होकर फोड़े फुंसी नहीं होगी। खसरा खसरा के रोगी के बिस्तर पर नित्य नीम की पत्तियां रखे। यह रोगी की अंदरूनी गर्मी को शांत कर आराम देती है। मासिक धर्म दंत दर्द नीम की कोपालें पानी में उबाल का पिएं। इससे दंत दर्द में आराम होता है। यह मासिक धर्म की अनियमितताओं में भी लाभदायक होती हैं। कुष्ठ नीम के मालिश करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। अर्धांघात जहर जहर सुन्नता हो वह नीम के तेल की नित्य 3 सप्ताह मालिश करें। सिरदर्द आधे सिर का यदि आधे सिर का दर्द सूर्योदय से आरंभ होकर 20-7 समाप्त होता तो 15 नीम की गहरी हरी पत्ती, 5 काली मिर्च और 30 चावल सब पीस कर सूर्य उगने से पहले इसे सूंघें। आधे सिर का दर्द कम हो जाएगा। आंवला
यदि मल के साथ आती हो तो नीम की हरी पत्तियों को धोकर छाया में सुखा लें, फिर पीस लें। इसकी आधा चम्मच सुबह शाम को खाने के बाद दो बार ठंडे पानी से इसकी फांकी लें। कुछ दिन लेते रहने से आव बंद हो जाता है। कन्फिद नीम की चार निवालियां सुबह शाम को चबाने से लाभ होता है। गले में दर्द, गला दुखता है, जलन होती है, कफ जमा हुआ लगता है तो दो चम्मच नीम की पत्तियों का रस, एक गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच शहद मिलाकर नित्य दो बार गरारे करें। ग्रिडसी बकायन के पत्तों का रस दो चम्मच एक रूप कप पानी में मिलाकर नित्य दो बार कुछ दिन पिए। बकायन की छाल की दुखती हुई जगह मालिश करें। यकृत रोग 30 ग्राम नीम के पत्ते एक गिलास पानी में तेज उबालकर 5 चम्मच पानी हर 3 घंटे में नित्य पिए। यकृत संबंधी विकार ठीक हो जाएंगे। मदिरा पीने से बिगड़ा हुआ यकृत इससे ठीक होता है। यह पे ताकत भी देता है। नकसीर यदि गर्मी के कारण नकसीर आती हो तो 2 चम्मच नीम की पत्तियों का रस आधा कप पानी में मिलाकर नित्य 2 बार पीने से नकसीर बंद हो जाती है। निमोनिया नीम की पत्तियों का रस हल्का सा गर्म करके सीने पर मालिश करें। मोच नीम की पत्तियों और आधी गौठ हल्दी पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर गर्म करें। इसे मोच ग्रस्त अंग का सेक करके इसका लेप करके पट्टी बांधें। आंख की बीमारी नीम की हरी निबोली का दूध आंखों पर लगाने से रतौंधी दूर होती है। आंख में जलन या दर्द हो तो नीम की पत्ती कनपटी पर बांधने से आराम मिलता है। नीम के पत्ते का रस थोड़ा गुनगुना करके जिस ओर आंख में दर्द हो उसके दूसरी ओर कान में डालने से लाभ होता है। बालों की परेशानी नीम का तेल नियमित सर में लगाने से गंजापन्या बाल का तेजी से झड़ना रुक जाता है। यह बालों को भूरा होने से भी बचाता है। नीम के तेल से हेयर ऑयल तथा हेयर लोशन भी बनाए जाते हैं, किंतु नीम तेल या उससे बने साबुन तेल लोशन आदि लगाने से माथे में गर्मी भी होती है, अतः बहुत जरूरी होने पर ही इनका प्रयोग करना चाहिए।